Hello, students, and welcome to my class. I am Gayatri Jangre, assistant teacher from Government Primary School, Ram Ramsagarpara, Raipur. Today, I am going to teach you lesson 50. The topic is A, B, C, D. So, open your English book, lesson 50, A, B, C, D. दिस पोएम विल हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस द अल्फाबेट इस लेसन में हम अल्फाबेट के बारे में जानेंगे डू यू नो अल्फ़ाबेट सॉन्ग क्या आपको अल्फ़ाबेट सॉन्ग के बारे में मालूम है टूडे वी विल लर्न अल्फ़ाबेट सॉन्ग सो लेट्स स्टार्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एलोमेनो पी एलोमेनो पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इफ़ यू डोंट नो इट गो टू बैड इन द मॉर्निंग कम टू मी आई विल टीच यू ए बी सी ए बी सी मजा आया ठीक है नाउ आई विल सिंग दिस पोएम अगेन रिपीट विथ मी

Look at the screen. If you will count from A to Z, there are twenty six letters. How many letters? Twenty six letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, क्यू आर एस टी यू व्ही डब्ल्यू एक्स वाई जेड इफ़ यू डोंट नो इट गो टू बैड अगर अभी भी आपको ए से ले कर जेड तक के अल्फ़ेट नहीं पता तो आप सोने चले जाइए इन द मॉर्निंग कम टू मी अगली सुबह आप फिर से मेरे पास आइए आई विल टीच यू ए बी सी मैं फिर से आपको ए बी सी सिखाऊंगी डू यू नो हाउ मनी लेटर्स आर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं मैंने अभी बताया कितने लेटर होते हैं ट्वेंटी सिक्स यस देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिस अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर हैं ट्वेंटी सिक्स हाउ मैनी वल्स आर इन द इंग्लिश अल्फ़ावेट क्या आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ावेट में कितने वॉबल्स होते हैं वॉबल्स मीन्स स्वर तो पाँच स्वर होते हैं देयर आर फाइव वॉबल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ावेट इंग्लिश अल्फावेट में पाँच स्वर होते हैं चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं ए आई ओ यू हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन देयर आर ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में इक्कीस व्यंजन होते हैं लेट्स लर्न सम्रॉम वॉबल ए चलिए कुछ शब्द देखते हैं जो वॉबल ए से शुरू होते हैं ए से आंट आंट मीन्स चेटी ए से एप्पल एप्पल मतलब सेब ए से एरो एरो मतलब तीर ए से एक्स एक्स मीन्स कुल्हाड़ी ए से एरोप्लेन एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज चलिए यहाँ पर हम देखेंगे ई से शुरू होने वाले कुछ शब्द ई से एग एग मीन्स अंडा से आई आई मीन्स आँख ई से अर्थ अर्थ मतलब पृथ्वी ई सेयर ईयर मीन्स कान ई से एलिफेंट एलिफेंट मीन्स हाथी यहाँ पर हम आई से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे आई से इंसेक्ट इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े आई से आइटम आइटम मतलब वस्तु आई से इमेज इमेज मतलब चित्र आई से इंक इंक मीन्स दवात आई से आइसक्रीम इस स्लाइड में हम बॉबल ओ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को देखेंगे ओ से आउल आउल मीन्स उल्लू ओ से ऑरेंज ऑरेंज मीन्स संतरा ओ से ऑक्स ऑक्स मीन्स बैल ओ से ऑयल ऑयल मीन्स तेल ओ से ऑनियन ऑनियन मीन्स प्याज यहाँ पर हम वॉबल यू से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को जानेंगे चलिए देखते हैं यू से अंकल अंकल मीन्स मामा या फिर चाचा हम उन मामा या चाचा को हम अंकल बोलते हैं यू से यूटेंसिल यूटेंसिल मीन्स बर्तन यू से यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स गणवेश यू से अगली अगली मीन्स बस सूरत यू से अम्ब्रेला अम्ब्रेला मीन्स छाता नाउ दिस इज़ अ टाइम ऑफ एक्सरसाइज द दॉबल्स यहाँ पर ए से लेके जेड तक के लेटर दिए गए हैं उनमें से आपको वॉबल्स पर सर्कल करना है सर्कल मीन्स गोला तो बताइए हमने कौन कौन से वॉबल्स पढ़े थे जाने थे यस ए ई आई ओ यू तो ए ई आई ओ यू पर आपको क्या करना है सर्कल लगाना है गोला लगाना है एक्सरसाइज टू मैच द पिक्चर विथ देयर नेम्स यहाँ पर एक तरफ चित्र दिए गए हैं दूसरे तरफ उनके नाम दिए गए हैं आपको चित्र को उनके नाम के साथ मिलान करना है चलिए देखते हैं लुक एट द फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है यस दिस इज यूनिफॉर्म देखिए यूनिफॉर्म कहाँ लिखा हुआ है सबसे आखिरी में थर्ड वर्ड यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म फर्स्ट पिक्चर को थर्ड वर्ड के साथ मिला दीजिए लूकेट द सेकेंड पिक्चर व्हाट इज दिस यस दिस इज़ एन एरोप्लेन बताइए एरोप्लेन कहाँ लिखा हुआ है यस yes, सबसे ऊपर में तो सेकेंड पिक्चर को फर्स्ट वर्ड ए ई आर ओ पी एल ए एन ई के साथ मिला दीजिए लुकेट द थर्ड पिक्चर थर्ड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है यस yes, अमरेला अम्ब्रेला कहाँ पर लिखा हुआ है यस सेकेंड वर्ड थर्ड पिक्चर को सेकेंड वर्ड यू एम बी आर ई डबल एल ए के साथ मिला दीजिए नाउ दिस इज़ अ टाइम ऑफ होमवर्क राइट डाउन द अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड इन इंग्लिश नोटबुक आपको अपने इंग्लिश नोटबुक पर ए से लेकर जेड तक के सुंदर राइटिंग में लिखना है Okay, see you again. Bye.